जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही खुश और प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, महादेव और माँ पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं आपको रति प्रिया नामक नायिका की सिद्धि बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। महादेव कहते हैं कि षष्ठ मात्रा सिद्धि रात्रो नग्नो भूत्वा हविष्यासी नावि जले स्थित्वा जपेत। तो महादेव कहते हैं हे देवी, रति प्रिया नायिका बहुत ही शक्तिशाली है, जिस मनुष्य पे प्रसन्न हो जाती है, जिसके वशीभूत हो जाती है, उसके लिए सभी दरवाजे खोल देती है, उसकी इच्छा पल भर में मनुष्य के सोचने से पहले पूर्ण कर देती है। ऐसी है रति प्रिया नायिका। तो महादेव कहते हैं हे देवी, इस रति प्रिया की साधना रात्रि काल में की जाती है। रात्रि काल के समय में नग्न होकर नाभि के बराबर जल में बैठकर उपयुक्त मंत्र का जाप करें। 6 महीने तक हविभासी होकर समस्त रात्रियों में जप करना चाहिए। इस प्रकार से रति प्रिया नायिका वशीभूत हो जाती है और जो 6 महीने में जप किए जाएंगे वो संपूर्ण बराबर होने चाहिए और उनकी संख्या कम से कम 3 लक्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो महादेव कहते हैं कि 6 महीने में आपको 3 लाख जप पूर्ण करने हैं, नाभि तक जल में बैठकर करने हैं, नग्न होकर करने हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि जो मनुष्य नग्न नहीं हो सकता वो बिना सिले, जिसमें सिलाई ना हो, वो वस्त्र पहन के जल में रह सकता, वो नग्न अवस्था मानी जाती है। तो आगे महादेव बोलते हैं कि हे देवी, अब मैं आपको रति प्रिया नायिका का वो मंत्र बताता हूँ जिससे वो वशीभूत होती है, सिद्ध होती है और सिद्धि प्रदान करती है और साधक के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करती है। अब मंत्र बताते हैं महादेव। होम रति प्रिय साधे साधे जल जल धीर धीर आज्ञापय स्वाहा। जी हाँ, ये मंत्र बोलते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र के द्वारा रति प्रिया अवश्य ही वशीभूत होती है और साधक को सिद्धि प्रदान करती है, इसमें लेस मात्र संदेह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये रति प्रिया नायिका की साधना जो महादेव ने माँ पार्वती को बताई वो मैंने आपको बता दी है। रात्रि में नगर होके 6 महीना तक जाप करना पड़ता है और जल में इसका जाप होता है। किसी भी साधक को और कुछ संशय हो तो पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी इच्छा है। जय श्री महाकाल दोस्तों, खुश रहो, प्रसन्न रहो।